तो गाइस हम लोग आज आए थे सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए और उसका ही व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो माता सप्तशृंगी का एक बहुत ही विशेष महत्व है। माता ने यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर के महिषासुर का वध किया था और इस स्थान पर ही माता सती जो शिव की पहली पत्नी थी उन माता का भी दाहिना हाथ यहाँ पर गिरा था। तो यह स्थान विशेष पावन है। तो हम लोग यहाँ के दर्शन करने के लिए निकल पड़े और यहाँ के दर्शन करने के लिए आने के लिए हमको सबसे पहले नासिक आना पड़ा। नासिक से यह स्थान लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके लिए हम लोगों ने कैब ले ली जो हमको 2500 रुपये में लगभग 4 लोग आ जा सकते हैं। तो हम लोग 3 लोग थे, हम लोगों ने कैब कर ली जो 2500 रुपये में हमें वहाँ के दर्शन करा के वापस लाने वाली थी। तो यह देखिए मंदिर का भी मैंने व्लॉग बनाया है, पहाड़ी पर स्थित है मंदिर। तो या तो हम सीढ़ियाँ चढ़कर भी जा सकते हैं जो लगभग 400 सीढ़ियाँ हैं, और या हम टिकट ले सकते केबल कार का जो 110 रुपये में हमें ऊपर ले जाती है और नीचे लाती है, 110 रुपये पर पर्सन। तो हम लोगों ने केबल कार का ले लिया था टिकट और हम लोग चल पड़े माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए हमारी केबल कार ऊपर जा रही है जहाँ पर माँ विराजमान है, और यह जगह लगभग 5000 फुट ऊपर है नॉर्मल ज़मीन से। तो उसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच गए और लाइन में लग करके थोड़े से ही देर बाद हमें माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये देखिए ये हैं माँ सप्तशृंगी जो कि बहुत जीवंत भाव में यहाँ पर विद्यमान है, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है उनकी, और दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। और फिर ये देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं, तो लगभग हमें शाम हो चुकी थी, हम 2 बजे निकले थे और लगभग हमें 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो हम वापस गए और बहुत ही अच्छा हमारा दर्शन।